सुविधा है वह यह है कि बीच में कोई भी अड़चने जिसको बोलते हैं, बाधाएं आती हैं, क्योंकि आप लोग परिवार के साथ रहते हैं, कहीं न कहीं नाता रिश्ता इत्यादि में बाधा आ जाए तो उस समय क्या करेंगे, तो ये कि उसका रास्ता आप कंकन बांध लेते हैं तो इन सब बाधाओं से आप दूर हो जाते हैं। आते हैं श्रेयांसि बहूनि विघ्नानि, अच्छे कार्यों में बहुत सारे विघ्न आते हैं, और यह मांगलिक अच्छा कार्य है तो इसमें तो आना चाहिए, तो फिर महाराज ये अच्छा कार्य कैसा है, कैसा का आती है दुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ होता है सामान्य व्यक्ति के द्वारा ये संपादित नहीं होते हैं, इसलिए देवलोग यहाँ आ जाते हैं अथवा यहाँ के ही पात्रों को चयन करके उन्हें देव बनाए जाते हैं, और ये इस महान पंचकल्याण साथ साथ और भी जनता उससे लाभान्वित होंगे। इसलिए कोई भी बाधा नहीं आए आ भी जाए उसका निवारण हेतु यहाँ पर सब लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोग इस व्यवस्था के साथ चलेंगे तो शोर सूतक वाली बात अपने आप टल जाएगी, और आप जब तक पंचकल्याणक पूर्ण नहीं होगा, वेदी पर श्री जी के विराजमान नहीं होंगे, तब तक यहाँ पर बंधे रहेंगे। यह बंधन आपको अवश्य लग रहा होगा, किंतु भव भव में जो बंधन हो आप लोगों ने स्वीकारा है उसको दूर करने का और कोई उपाय नहीं है, और इस बंधन के माध्यम से आप अपने जीवन को बंधनातीत महसूस करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु आपने इस बंधन को हमेशा के लिए तोड़ दिया है, उसी का अनुकरण करके संसारी जीव भी जो पात्रता के अनुसार अपने जीवन को इस ओर यदि लाते हैं अवश्य ही उनके जीवन में भी प्रभुत्व को स्वीकार करने की क्षमता आ सकती है का प्रयास करना चाहे। किंतु आप लोग प्राय करके संस्कार का अर्थ समझते नहीं, इसलिए विदेश इत्यादि भेज करके उनको और पात्रता लाने का प्रयास करते हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो जहाँ पर अहिंसा का पालन नहीं करते हैं वहाँ पर अपने बच्चा जाकर के पात्र कैसा बन सकेगा। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि यहाँ की विद्या, यहाँ की कलाएं, यहाँ के पुरुषार्थ के साथ होंगे जीवन में, जैसे आप लोगों ने पाया उससे भी बढ़कर के